ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कितना नंबर लाना होगा तब जाकर आप सभी को एक बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों को कितना नंबर लाने पर एक सरकारी कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चाहे आप बॉयज हो, चाहे आप गर्ल्स हो और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप सभी को कितना मिनिमम कितना नंबर लाना होगा तब जाकर आप सभी को एक बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सभी को हम बता दें, बिहार पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेजों की जो संख्या है वो 44 है और बिहार पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटों की जो संख्या है वो है 12,000 के आसपास, ठीक है ना। बिहार पॉलिटेक्निक में कुल सीटों की जो संख्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों की कुल सीटों की जो संख्या है वो 12,000 है और बिहार पॉलिटेक्निक में कॉलेजों की जो संख्या है वो 44 है, ठीक है। 44 में 42 बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है और दो जो कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। इस कॉलेज में दो जो कॉलेज है, एक पटना में एक मुजफ्फरपुर में, दो कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती है और यह 42 जो कॉलेज है इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ले सकती है, ठीक है ना। और सीटों की जो संख्या है वो 12,000 के आसपास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में सीटों की संख्या कितनी है। तो ओबीसी कैटेगरी में बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में ओबीसी कैटेगरी में सीटों की जो संख्या है वो है 2100 के आसपास, ठीक है। 2100 के आसपास बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटों की जो संख्या है वो 2100 के आसपास है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप बॉयज हैं, ठीक है ना, तो मिनिमम ओबीसी कैटेगरी में कितना नंबर लाना होगा तब जाकर आपको एक बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है वो आप सभी जान लें कि 2021 में कितना नंबर पर एक बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ था और 2020 में कितना नंबर पर बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन हुआ था। अगर वो आप जान लेते हैं तो 2022 में कितना नंबर पर आप सभी को एडमिशन मिलने वाला है, आप सभी पूरा सेटिस्फाइड हो जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं। पहले आप सभी को हम बता दें, 2021 में ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों को मिनिमम जो नंबर लाना पड़ा था वो 35 नंबर लाना पड़ा था, ठीक है ना। फिर आप सभी को हम बता दें, 2021 में ओबीसी कैटेगरी वाले छात्र को 35 मिनिमम 35 नंबर लाने पर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो गया था और 2020 में 40 नंबर लाने पर 2020 में 40 नंबर लाने पर बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन हो गया था। अब आप सभी के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर 2021 में अलग, 2020 में अलग क्यों? तो देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक में कम बेसी कुछ नंबर का होते रहता है, ठीक है ना। 2021 में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए 2021 में सिलेक्शन जो है कम नंबर पर उठाया गया था और 2020 में थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन था तो थोड़ा सा हाई गया था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि 2022 में मिनिमम कितना नंबर लाने पर ओबीसी कैटेगरी वाले छात्र को एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो हम आप सभी को बता दें, अगर आप सभी 40 से ऊपर 40 प्लस लाते हैं या 40 नंबर भी अगर आप लाते हैं, 90 में 40 नंबर आप लाते हैं, तो बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में आप सभी का एडमिशन हो सकता है। चाहे आप बॉयज हो, चाहे आप गर्ल्स हो, दोनों के लिए आप सभी को हम बता दें, कम से कम 40 नंबर अगर आप लाते हैं, 90 में 40 नंबर लाते हैं, तो आप सभी का एडमिशन जो है सिक्योर है, सेफ जोन में है, आप सभी का एडमिशन हो सकता है बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेजों में, ठीक है। कम से कम 40 नंबर लाना होगा तब जाकर आप सभी का एडमिशन हो सकता है। अब आप सभी को हम बता दें कि ओबीसी कैटेगरी वाले छात्र को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मान लीजिए अगर आपका रैंक कार्ड अच्छा आया, मतलब मेरिट लिस्ट अच्छा आया और आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप सभी का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा तब जाकर आपको बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल सकता है, तो वह आप सभी को हम बता दें।
ओबीसी छात्र को जो एडमिशन के वक्त लगेगा वो पहला लगेगा कि आप सभी ने बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे 750 रुपये का, वो आप सभी का एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नंबर टू पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड लेकर गए थे वो लगेगा। और नंबर थ्री पर जो रैंक आया है, मेरिट लिस्ट निकल कर आया है, वो लगेगा। और नंबर फोर पर जो आपका अलॉटमेंट, जो कॉलेज का अलॉट हुआ है, वो आप सभी को लगे। और उसके बाद जाति आवासीय आय लगेंगे। अगर आप टेंथ करके एडमिशन ले रहे हैं तो आपका टेंथ का पूरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आप ट्वेल्थ करने के बाद कर रहे हैं तो आपको ट्वेल्थ के बाद का जितने हैं टेंथ ट्वेल्थ दोनों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर मान लीजिए कि अगर ट्वेल्थ करने के बाद एक से दो साल बाद अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप 2020 में एग्जाम दिए, ठीक है, और ट्वेल्थ 2020 में दिए और 2022 में बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो वहाँ पर आप सभी को गैपिंग सर्टिफिकेट वहाँ उस कॉलेज में दिखाना होगा, तब जाकर आप सभी को एक एडमिशन हो सकता है। नहीं तो अगर आप 40 नंबर 50 नंबर लाने के बाद भी, कॉलेज अलॉट होने के बाद भी अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग अगर होता है आप सभी का, तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक में ओबीसी कैटेगरी वाले छात्र को मिनिमम कितना नंबर लाना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।